आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे MSCIT एराकास सेशन नंबर 28 का टेक अ चैलेंज। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यू वांट टू नो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर नेम, वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एक्सेट्रा। हाउ विल यू यूज़ कंट्रोल पैनल टू व्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर या PC? तो हमें यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि उसका कंप्यूटर का नाम क्या है, वर्जन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉल किया हुआ है। तो कंट्रोल पैनल से कैसे देखेंगे, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट में जाना है मेन्यू में, और फिर कंट्रोल पैनल के सेक्शन में राइट साइड से जो है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएँगे कंट्रोल पैनल के सेक्शन, हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है। कंट्रोल पैनल का सिस्टम ऑप्शन, तो यहाँ पर ही हम कंट्रोल पैनल में है, जो यहाँ पर लिख कर आता है ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स, तो उसका यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस है। तो हमें सिस्टम में जाना है। सिस्टम में आने के बाद यहाँ से हम डिटेल्स देख सकते हैं। अगला सवाल, रेफर टू द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई द URL ऑफ द गिवन वेब पेज। हमें इस इमेज पर क्लिक करना है सबसे पहले, फिर जो URL दिख रहा है ऊपर एड्रेस वो क्या है वो हमें बताना है। तो ये mkcl.org.click है। अगला सवाल, इन अ वर्कशीट यू वांट टू हाईलाइट ऑल द सेल्स हैविंग डुप्लीकेट वैल्यूज विथ लाइट रेड फिल, हाउ विल यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द सेलेक्टेड सेल्स। हमने जो सेलेक्टेड सेल्स है या सेलेक्ट किए हुए सेल्स है इसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ दिखाना है रेड लाइट रेड फिल से, कैसे हम दिखाएंगे। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स पर, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ से हम यहाँ डुप्लीकेट में लाइट रेड फिल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो इस तरह लाइट रेड फिल यहाँ आ जाएगा। अगला सवाल है, यू वॉन्ट टू एड आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द पिक्चर टू मेक इट लुक लाइक अ स्केच, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अप्लाई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स टू द सेलेक्टेड पिक्चर। हमने यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, अब उसे हमें एक स्केच की तरह दिखाना है, तो हम आर्टिस्टिक इफेक्ट फीचर कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू बार से फॉर्मेट मेन्यू में, और वहाँ से आर्टिस्टिक इफेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ से हम स्केच जो दिखेगा वहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्केच टाइप में दिखेगा। अगला सवाल है, हाउ विल यू कन्वर्ट गिवन कॉलम चार्ट इंटू अ बार चार्ट। हमें इस कॉलम चार्ट जो दिया हुआ है उसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसे हमें बार चार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन के मेन्यू में, मेन्यू बार से, और हम चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्टेड होगा, हमें सिर्फ बार चार्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के इनमें से कौन से दो मेन कंपोनेंट्स है, तो इसका जवाब कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है, इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स सिस्टम्स द CPU इज कंटेंट ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ जो CPU में सिंगल चिप होती है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगला सवाल है, यू वांट टू मार्क आउट अ पेज इन ओपेरा मिनी फॉर रिविजिटिंग लेटर, विच बटन विल यू क्लिक टू ऐड अ पेज टू योर फेवरेट लिस्ट। हमें यहाँ पर से मार्क आउट करना है पेज ओपेरा मिनी में, हम ताकि दोबारा वहाँ पर आ जाए, तो कौन सा बटन पर हम क्लिक करेंगे ऐड करने फेवरेट लिस्ट, तो यहाँ पर से हमें उसे बुकमार्क कर सकते हैं क्या, बुकमार्क से भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरा है सेव पेजेस, तो ये भी इसका नहीं रहेगा। अब हम इसे क्लिक कैसे करेंगे पेज फेवरेट लिस्ट में, तो फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए इस क्वेश्चन में जिस तरह सेव होगा उस पर हमें फॉलो करना है। जैसे कि ये फेवरेट लिस्ट है तो हमें यहाँ पर प्लस पर एक क्लिक करना है सिंपली, और उसे वो ऐड हो जाएगा एड्रेस। अगला सवाल है, अनीता वांट्स टू टेक एन IQ टेस्ट, व्हाट स्टेप्स शुड शी फॉलो टू बिगन
बिगिन द टेस्ट। अनीता को टेस्ट शुरू करना है एक आईक्यू का, तो कौन सी स्टेप्स से वो बिगिन कर सकती है? तो यहाँ पर वो अनीता उसका जेंडर सेलेक्ट कर देंगी, डेट ऑफ बर्थ दे देंगी और फिर स्टार्ट कर देंगी टेस्ट। इस तरह वो आईक्यू का टेस्ट दे सकती है। अगला सवाल है, राकेश वांट्स टू बुक एन अपॉइंटमेंट विथ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस? राकेश को एक बुक करना है अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो कैसे बुक करेगा अपॉइंटमेंट? तो यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट है, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स है, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स पे जाएगा और वहाँ डिटेल्स सेव करेगा राकेश। इसके बाद हम देखेंगे अगला सेशन नंबर 28 का सेशन एंट्रेस। थैंक यू।